बच्चा तो मिक्स ही होता है, पेरेंट्स का, माँ और बाप दोनों का साया तो उसके साथ होता है। कुछ गुण माँ के होते हैं, कुछ गुण पापा के होते हैं। हाँ, हाइट पे वो पापा पे चलेगी। बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, बधाइयां आ रही है, और आप इतना ज्यादा मीडिया आया है तो पहली बार देखा है। शी सेड कि आई एम इन अ डिफरेंट रूम नाउ, मेरे को सूट मिला है और आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं बहुत अंदर से डरी थी और मैं बहुत रोई हूँ। कोई दिन नहीं जिस दिन अरदास नहीं की थी कितिया ने कि बेटी को कामयाबी बख्शो। आज हम जिस के घर बैठे हैं, उन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मिस यूनिवर्स 2021 का जो टाइटल है उसको अपने नाम पे करा के हरनाज संधू, उनकी फैमिली के साथ अभी हम हैं। वेलकम है आपका बीबीसी हिंदी से। थैंक यू। हाँ थैंक यू जी, वेलकम जी, वेलकम। जी, तो हरनाज मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत गई है, जो खुशी है और जो थकान है, क्योंकि ये सुबह से मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, वो आपके चेहरों पे दिख रही है। पर तो थोड़ा सा फ्लैशबैक करें तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? एक्चुअली इसका पेजेंट कहाँ 2017 में हुआ था, जब इसने कॉलेज ज्वाइन किया था, सेक्टर 42 गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहीं पे फ्रेश पार्टी थी, फ्रेशर पार्टीज में ये बनी थी सेकंड रनर अप। उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुई थी पूरी लड़कियां चंडीगढ़ से, और उनमें ये विनर थी। उसके बाद इसका चलता ही रहा सिलसिला। फिर 2018 में मैक्स इमर्जिंग स्टार, जिसमें दबू रतनानी के साथ शूट था और टेरिस लुइस के साथ उसका फ्री डांस सेशन था, वो विनर थी नेशनल लेवल पे। फिर 2019 में मिस फेमिना मिस इंडिया पंजाब बनी थी ये, और उसके बाद अब मिस दीवा यूनिवर्स इंडिया 2021, उसके बाद अब ये दिवस। क्या बात है। फादर साहब से पूछते हैं कि किस तरह की इस टाइम फीलिंग है, लड़की ने नाम इतना रोशन किया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, बधाइयां आ रही है, और आप इतना ज्यादा मीडिया आया है तो पहली बार देखा है, तो उसकी बदौलत ही है ये, उसने ये खिताब जीता तो आप सब लोग आए और हमको इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, बता नहीं सकते। आपको पहली बार कब बताया था हरनाज ने कि पापा मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है और मैं ये करना चाहती हूँ लाइफ में? ये 2017 के बाद में, मतलब पहले तो ब्रदर को बताया, मैं अपनी मदर को, तो मेरे से तो हम जेट फैमिली से हैं तो थोड़ा सोचते थे भी ये सख्त हैं, थोड़ा इस लाइन में जाने नहीं देंगे, तो ऐसा ऐसा मेरा मूड देखा भी अब ठीक है तो बताया, तो मैंने वो जमाना नहीं है, बच्चों को आप थोड़ा जा भरोसा करके थोड़ा आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, तो मैंने भी जेस्ट कर दी। जिस दिन जेस्ट की उस दिन भंगड़े पाए उन्होंने सारे घर में, हाँ पापा ने जेस्ट कर दी, पापा ने जेस्ट कर दी, तो देख लो इसका भरोसा था तो बन गया। एज ए मदर किस तरह का सपोर्ट रहा आपका? आपको पहली बार कब बताया था हरनाज ने आपको? अच्छा, बचपन में कैसी थी हरनाज? बचपन से उनको इस चीज का शौक था? बचपन में ना ऐसा शौक तो नहीं था, लेकिन वो जो भी काम करती थी वो बड़ा हटके सा था उसका, उसको वेल मैनरिज्म का और सॉफ्ट स्पोकन का उसके सर्टिफिकेट मिले हैं, उसके जो भी पढ़े हैं उसके पास, इवन अब्रॉड में थी तब भी इसको मैनरिज्म में पूरे मतलब अच्छे वाले इसके सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। तभी मेरे को पता लगा कि ये भी कोई सर्टिफिकेट होता है मैनरिज्म वाला भी, बिकॉज हमें तो होता था फर्स्ट सेकंड थर्ड आना क्लास में, और बहुत एक्टिविटीज में छोटी छोटी में पार्टिसिपेट करती थी और उसमें अपना पूरा देती थी ये। उसके बाद जैसे जैसे इसमें अपनी होश संभालती रही, बड़ी होती रही, तो अपनी स्टडी पे भी फोकस किया इसने। फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 में ये इसकी पोजिशन क्लास में आती थी, और फिर इसको ये जैसे मैंने आपको बताया कि 2000, बट अभी भी वो डाउन टू अर्थ रहती है, सॉफ्ट स्पोकन है और सबसे मिलजुल के रहने वाली है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी लगता है हमें देखने वाले को कि थोड़ा एटीट्यूड है, लेकिन नहीं, एटीट्यूड कोई नहीं उसकी, इट्स वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये जो उनका नेचर है, ये उनको कहाँ से मिला? मम्मी से मिला कि पापा से मिला? डाउन टू अर्थ वाला भी और एटीट्यूड वाला भी। देखो, बच्चा तो मिक्स ही होता है, पेरेंट्स का, माँ और बाप दोनों का साया तो उसके साथ होता है। कुछ गुण माँ के होते हैं, कुछ गुण पापा के होते हैं। हाँ, हाइट पे वो पापा पे चलेगी। यही मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे हाइट में, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ठीक है, ये लंबी हो और अच्छा, उसका 5 फीट एंड 8 इंच का बहुत अच्छा कद है। अच्छा, तो अभी आपकी बात भी हुई है हरनाज से, हमें पता लगा, क्या क्या बात हुई आपकी? मतलब ऑब्वियसली दोनों की एक्साइटमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होगी। एक्चुअली मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी जब उसने ये क्राउन जीता है, तो
तो एकदम से वो अपनी मासी के थ्रू मेरे को कॉन्टेक्ट कर रही है, मम्मा को बोले मेरे से बात तो कर ले, वो फोन नहीं उठा रही क्योंकि मेरा फोन ही अभी मीडिया में ऑक्यूपाइड है, तो कांट हैंडल माई फोन. तो बात यही हुई है कि शी सेड कि आई एम इन अ डिफरेंट रूम नाउ, मेरे को सूट मिला है और आई एम वेरी हैप्पी. एंड मैं बहुत अंदर से डरी थी और मैं बहुत रोई हूँ, अरे कहती मैं बहुत रोई हूँ. और मेरे को था कि अब मिल गया है, फिर भी उसको ये नहीं है कि क्राउन है, शी थिंक्स इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर शोल्डर्स एंड डेफिनेटली शी विल फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जदों रात रात को जब ये चीज चल रही थी है ना, कॉन्टेस्ट चल रहा था, उससे पहले के जो मोमेंट्स थे वो कैसे स्पेंड किया आपने? टाइम पास ही नहीं हो रहा था बस ऐसे ऐसे, अब इतने दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, अब 2 रह गए, अब 1 रह गया, तो कल का दिन और आज रात, तो समझ लो हम सो ही नहीं पाए, बस ऐसे ही सोचते रहे। और सुबह सभी लोग इतने बजे वो जल्दी उठ गए, बेटा भी, ये भी, वाइफ भी, मैं भी। तो जब टीवी ऑन किया 5:30 के करीब, तो फिर उधर ही बैठे रहे, तो इन्होंने गाड़ी पकड़ी तो ये गुरुद्वारा साहब चले गए थे हम, बस ऐसे ही चल रहा है काम। आप गुरुद्वारा साहब चले गए थे प्रे करने के लिए, आपको मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी थी कि ये मोमेंट मैं नहीं देख पाऊंगी या मैं देखना चाहती हूँ, क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? सारे में से यही पूछ रहे थे क्वेश्चंस उसके फैन लवर्स जो है कि आंटी आप वहीं पे हो, आर यू इन इजराइल, आप गए क्यों नहीं, आपको जाना चाहिए था. मेरे हॉस्पिटल में वर्क प्लेस पे भी सारे पूछ रहे थे. मेरे को ये था कि वहां जाके जो भी सपोर्ट है यहाँ से भी हम उसको बेस्ट और पॉजिटिव वाइब्स और अपनी ब्लेसिंग और भगवान की दुआएं तो सारी यहाँ पे बैठ के भी भेज सकते थे. आज तक मैं कभी किसी पेजेंट में गई नहीं, मेरे को डर भी था कि ये ना हो कि मैं पेजेंट में जाऊँ और कुछ रह जाए, क्योंकि बी फ्रैंक अभी तक मैंने जिसको भी वोटिंग की है ना, अपनी वोटर सारे हारे ही हैं, कोई नहीं जीता. पॉलिटिकल थोड़ा सा ये भी सुपरस्टिशियस था, नवीन में गई इतनी दूर जितना भी 25 बोल. तो वो डर थी और वो डर अब खुशी में बदल चुका है. अब किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? हम सबसे पहले तो भगवान का शुक्राना करेंगे और हम एक अच्छे वाला एक ढोल ढमक्का धूम धड़क्का लाइटनिंग अपनी लोकैलिटी के लोगों का जिन्होंने बहुत साथ दिया हमें, और अपने रिलेटिव का, फ्रेंड्स का और आप सबका, और जो उसको फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहे हैं मोरल एंड मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल. क्योंकि जहाँ मैंने देखा उसके फैन जो थे अभी जो इंस्टा पे उसको फॉलोवर कर रहे हैं ना, जो वो उनको छोटी सी चीज के लिए भी ये वॉक इतनी फास्ट नहीं करनी, उसको बोलो थोड़ी स्लो करे, वो मेरे थ्रू मैसेज देते, दे वर मोर कंसर्न रादर देन मी बिकॉज वो उस चीज में एक्सपर्ट थे और मेरे को छोटे छोटे मैसेज वो डालते थे एंड शी रियली रिएक्टेड ऑन दैट, शी इम्प्रूव्ड हर सेल्फ. शहनाज को भी भगवान में विश्वास था पूरा, वो हरनाज को भी भगवान में विश्वास था. बिल्कुल, वो तो बहुत ज्यादा विश्वास करती है, उसके मन च पहले दिन तो ही जिदा मूल मंत्र उन्हें पढ़ के ते जाना है, बाबा जी दी फोटो ने घर दे विच उठे मोना के मत्था टेक के जाना, जे कॉलेज भी जाना तां भी जाना, बाकी वो गुरुद्वारा साहब दे विच गुरु साहब दे च इन्ना ज्यादा विश्वास रखती है कि वैसे तो हर धर्म का ही बड़ा सत्कार करती है, इसे दे खिलाफ भी नहीं बोलती, मंदिर जावे, मस्जिद जावे, कितने जावे, हरकत करती है। तो अपने चलो श्री जट फैमिली, सिंह फैमिली, सिख फैमिली चो, तो इस करके गुरुद्वारा साहब तो ये मम्मा ना जान तो लैके जाती है नाल, तो मम्मा मेरे ना चलो, मेरा दिल कर दिया कि मैं जाके अरदास करा। तो हूँ भी हर इंटरव्यू च हर रिश्तेदार हर एक यही बोलती सी, अरदास करो, बस मेरी अरदास करो, और यही कीतियां भी ने, कोई दिन नहीं जिस दिन अरदास नहीं की, कीतियां ने कि बेटी नु कामयाबी बख्शो, तो अगों वेखो परमात्मा का हैगा इशारा सीगा कुछ। हरनाज का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये सारे बटाले नु बिलोंग करते हैं, उत्थे अर्बन स्टेट बटाला साडा अपना हाउस सीगा, उत्थे इहदा बर्थ होया, ते बाद दे विच फिर चलो जी घूमते घुमाते इत्थे तां दाणा पानी लिखा इधर आ गए। अच्छा, जब हरनाज इस फील्ड में गई तब क्या आपकी रिलेटिव्स ने या सोसाइटी में से किसी ने बोला था कि लड़की को मत भेजो या इस फील्ड में ऊंच नीच है या कुछ ऐसे कुछ नेगेटिविटी कहीं से मिली हो? टचवुड हमें कहीं से भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसके पापा ने जब सपोर्ट कर दी ना तो हम सबको भूल गए, क्योंकि एक फैमिली सबसे ऊपर होती है और बाकी भी इसके ताया जी वगैरह जो ताए ही हैं क्योंकि ये सबसे छोटे हैं घर में, तो किसी ने भी नेगेटिव में किसी ने नहीं बोला, टचवुड इसके लिए पॉजिटिव ही मिला था. अच्छा, शहनाज को थोड़ा बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा, उन्होंने अपने एक दो इंटरव्यूज में बताया कि लोग उनको ऐसे कहते थे कि वो बहुत पतली हैं, बहुत थिन है, इस डिस्कशन हुई?
बड़ी मुट्ठी ताजी सी, मोटू मोटू कद्दू बोलते थे हम उसको। हाँ उसके बाद जैसे जैसे एज ग्रो होती रही, ग्रोइंग एज में, तो वो स्किनी थी। हाँ उसको बोलते थे, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, आप स्ट्रांग होने चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी है, डोंट केयर अबाउट एनी वन, ये तुम हो, आ तुम्हारी बॉडी है, यू हैव टू लव योर योर सेल्फ, डोंट केयर अबाउट एनी वन। तो ये चीज़ मतलब उसको बॉडी शेमिंग का हुआ तो था, लेकिन उसको उसने थोड़ा कभी सीरियस ले लेती थी, लेकिन मैं उसको मोटिवेट करती रहती थी। किस चीज़ का खाने का शौक था? तो क्या आपने बोला बचपन में उसको कद्दू बुलाते थे, तो कद्दू खाती थी वो? नहीं, कद्दू वगैरह नहीं, पहले तो शुरू में वो नॉन वेज थी, अभी वो इस मिड ऑफ दिस ईयर शी कन्वर्टेड इन टू वेजिटेरियन बिफोर गोइंग टू दिस पेजेंट। पता नहीं उसके अंदर से आई, उसको अंदर से एक वॉइस आ रही थी कि यूनिवर्स इज कॉलिंग यू, गेट अप, दिस इज नॉट योर प्लेस, यू हैव टू वेकअप एंड कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, यूनिवर्स इज कॉलिंग मी। शी टोल्ड मी दिस कि मेरे को अंदर से आवाजें आ रही हैं मम्मा, और मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके, देन यू कैन गो फॉर दिस कॉम्पिटिशन। फिटनेस का शौक था उनको, एक्सरसाइज, योगा, ये सब करते थे? हाँ, पूरा फिटनेस का पीछे सब भी, कोई साइकिल वगैरह रखा है घर में, बाहर भी चलाने वाला, और घर में भी योगा करती है अभी तक भी, वो कोई एक दिन भी नहीं छोड़ती वो फिटनेस का। बहुत कोई हम ज्यादा कहें भी थोड़ा सा ले ला, थोड़ा सा ले ला, 3-4 बार, मम्मा क्यों बार बार कहते हो मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, मतलब ऐसे करती है। मतलब फोकस थी बहुत ज्यादा, उसको जो अचीव करना था डिटरमाइंड, उसने वो किया भी। हाँ, डिटरमाइंड एंड फोकस्ड एंड वेरी पंक्चुअल अबाउट एवरीथिंग। लाइक कभी भी उसको वैल्यू थी टाइम की, हर चीज की वैल्यू का उसको पता है।